हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैथ का न्यू टॉपिक के साथ आए हैं और ये आपका है ऐड पढ़ना। इसमें बेसिक कंसेप्ट आपको बताएंगे कि किस तरह से ऐड बनाया जाता है, किस तरह से मल्टीप्लाई और हुआ आपका घटाव कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में इसमें डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आप चार क्वेश्चन लेके आए हैं और बहुत अच्छे तरह से इसको समझाएंगे कि किस तरह से इसमें बनाना है और कैसे समझे कि इसमें ऐड करना है या तो इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि -3/17 एंड -6/51 है। तो सबसे पहले इसमें करना क्या होगा, इस नंबर को पहले इसको कन्वर्ट करना होगा। लिखेंगे -3/17 और एंड को हटाकर यहाँ पर प्लस लगाना है और इधर आ जाएगा -6/51। ठीक है, और इन दोनों को एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसको देखना है, सबसे पहले देखना है कि इसमें दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे ही दोनों में सबसे बड़ा नंबर आएगा आपका 51, यही आपका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, तो ये सब ट्रिक होता है कि एलसीएम निकालने का है कि सबसे पहले देखेंगे इस दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो 17 आता है, 17 कितना के टेबल में कट जाता है, तो तीन बार में ये पूरा पूरा कट जाता है। जो नंबर तीन बार में कटता है वो नंबर को यहाँ लिखिए इनटू, इसमें क्या लिखा -3, तो -3 लिख दीजिए। ठीक है, -3 हो जाएगा और ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि 51 और 51 कितना बार में कटेगा, तो 51 एक बार में कटेगा। लिखेंगे 1 इंटू और ये 1 के टेबल, ये जो 6 है ना, वो 6 को ऐसे उतार देना है। उसके बाद ये 3 जाके ना हो जाएगा -9, ये प्लस, तो प्लस लिखेंगे और ये माइनस है ना, तो माइनस अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसके बाद नीचे हो जाएगा 51। एक स्टेप और आते हैं, इसमें देखिए -9 है और यहाँ माइनस में 6 है। लिखिए पहले, सबसे पहले लिखिए -9 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6/51। अब देखिए ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो दोनों नंबर क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा आपका -15/51। ठीक है, अगर ये नंबर कट रहा है तो काट दीजिए, अगर नहीं कट रहा तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ कट रहा है 5 से कट रहा है, 5 3 15 और 17 3 कितना हो जाएगा 51। इसका आंसर आएगा 5/17, माइनस में आएगा इसका आंसर। क्लियर है? चलिए अब इसमें आते हैं, इस क्वेश्चन में समझते हैं कि इसमें कैसे बनाना है। ठीक है, इसमें बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को एलसीएम लेंगे। जो यहाँ प्रोसेस है वही प्रोसेस इसमें भी है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। इसमें क्या क्या, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। फ्रॉम याद रखिएगा, फ्रॉम FROM इसका मतलब होता है माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का लिखेंगे -9/22 -6/11 हो गया माइनस में। अभी दोनों नंबर को एलसीएम लेंगे, तभी बताया कि एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 22, तो 22 इसका एलसीएम होगा। अगर आप निकाल के देखना चाहते हैं तो निकालिए ऐसे, कितना के टेबल में जाएगा, दो बार 11 का ही 11 बार में चल जाएगा, तो ये 2 1 जब 1 कितना हुआ, 11 2 22 आ गया ना। तो इसी तरह से एलसीएम को नहीं निकालने के लिए हम आपको ये शॉर्ट में बता रहे हैं कि दोनों नंबर को सबसे देखना है कि दोनों नंबर में बड़ा कौन सा नंबर है। तो दोनों नंबर से बड़ा 22 है, तो 22 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 22 कितना के टेबल में आता है, तो ये आता है आपका एक बार में आता है, तो यहाँ पर लेके 1 के टेबल 9 में पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस लिख रहे हैं। 11 2 जा कितना होता है 22 होता है ना, और उसके बाद 2 और 2 को फिर मल्टीप्लाई करिए 6 से, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, तो लिखेंगे यहाँ पर 12। अब इस दोनों नंबर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा 21/22 और ये साइन माइनस में है तो माइनस लगा देना। ये माइनस कैसे लगा, क्योंकि सबसे बड़ा साइन किस में है, तो 12 पर है, तो इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर 12 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आया? आगे आते हैं, आगे यहाँ पर भी क्या कहना है। अब यहाँ पर फ्रैक्शन में दे दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या चीज में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो इसमें लिखेंगे 4 3 कितना होगा 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 13/4। फ्रॉम का मतलब माइनस बताए तो माइनस लिखिए। ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, दोनों एलिमेंट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचा 9/4। ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम देखिए दोनों नंबर क्या है, सेम है, तो ये नंबर यहाँ पर पूरा उतर जाएगा और ये हो जाएगा आपका 13 -4। अब बताइए कि 13 में 4 जाएगा कितना बचेगा, 9 9/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा डिवाइड में आते हैं, तो डिवाइड कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले सिंपल समझना है कि इधर का जो राइट साइड में होता है वो हमेशा चेंज होता है
और इसका जस्ट पीछे प्रीवियस में है ये दिया हुआ है, इस नंबर क्या होता है जैसे रहता है वैसे उतार देना रहता है। तो इसमें क्या करें, टेबल पहले इस जो आपका इंटीजर में दिया हुआ है इसको फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए सबसे पहले करना होगा, टू का टेबल फाइव में पढ़ेंगे तो टू फाइव जो टेन और वन कितना हो जाएगा अलेवन, अलेवन बाय फाइव डिवाइडेड, डिवाइड का साइन होगा और फाइव फाइव जा कितना होगा ट्वेंटी फाइव और वन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स बाई फाइव। अब क्या करेंगे, इस टेबल को उल्टा कर देंगे, मतलब इधर वाले को उल्टा कर देना। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डिवाइड बनाना रहेगा तो ए साइन हमेशा उल्टा हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा, तो जैसे यहाँ अलेवन बाई फाइव हो जाएगा और ये फाइव है ना उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू में करेंगे और फाइव चला जाएगा ऊपर तो फाइव बाई ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा। अब देखिए दोनों में कोई नंबर कट रहा है तो ये नंबर आपका ये कट रहा है ठीक है, एक बार में पूरा कट गया अब अलेवन बन जाए कितना हो जाएगा अलेवन और ट्वेंटी सिक्स को टेबल वन में पड़ेंगे तो ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा ठीक है। इसको यहाँ भी लिख लीजिए आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप सब समझ गए होंगे कि ये कैसे बना रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को आसानी से प्रॉब्लम जो भी आएगा इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। ये आपका बुक में दिया हुआ है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू।